सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पर एक जावा 42 क्लासिक खड़ी हुई है। अगर इनका कंपैरिजन देखना है जावा 42 एंड इम्पीरियाले का, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अभी हम फोकस करते हैं डायमेंशंस के ऊपर। इस वीडियो में होने वाला है वाइब्रेशन टेस्ट बिटवीन रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 वर्सेस बेनेली इम्पीरियाले 400। और वीडियो चालू करने से पहले थोड़ा डायमेंशंस पे फोकस करेंगे। दोनों को गाड़ी को किधर बैठ कर दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एज सिमिलर जैसे कि आईना है समझ लो। लेकिन खाली इसके अंदर डिस्क ब्रेक का फ़र्क है। डिस्क ब्रेक दोनों लेफ्ट साइड पर है इसका, वही जैसे मैं जावा में बताया था। इसके अंदर इम्पीरियाले के अंदर लेफ्ट साइड में आगे का है एंड रियर का राइट साइड में, आई डोंट नो व्हाई इज़ दैट। एंड दोनों की मैट फिनिश साइलेंसर है आउटपुट। एंड दिस लुक रियली क्लासी। इनका इसका सीट मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा सॉफ्ट है, आई गेस इज आफ्टर मार्केट। इसके अंदर किक स्टार्ट है, इसके अंदर किक स्टार्ट नहीं है। सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर अबाउट द डायमेंशन। एज यू कैन सी देयर इज अ हैंडल बार एकदम इक्वल रखा हुआ है, इवन द मिरर्स आर इक्वल। एंड फ्रॉम हियर इट्स स्लाइटली डस्टी, थोड़े दिन में मेरे भी इससे ज़्यादा डस्टी होने वाली है। सो अवॉइड दैट डस्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ तो सबसे ज़्यादा होने वाला है। मेरे पास तो होगी गाड़ी, समझ जाओ क्या होने वाला है। सो अब तो नहीं है तो नहीं दिखने दो, जूनी है तो जूने दिखने दो। सो लेट्स गो। सो वेल, जो वाइब्रेशंस टेस्ट है, मैं कुछ बॉटल वगैरह रखने करने वाला नहीं हूँ। ये ऐसा ही ऊपर से समझ में आ जाएगा आपको कि कैसा है। बाद में इसको राइड करूँगा एंड देन राइड होके मैं ओवरव्यू बताऊँगा क्या है। सो प्लीज़ आप ज़रा स्टार्ट कर देंगे रॉयल एनफील्ड फर्स्ट और छोड़ दो हैंडल को फ्रीली। ओके, कैन यू सी द फ्रंट टायर ऑफ द रॉयल एनफील्ड? इट इज़ मूविंग, या ऑल्दो दिस इज़ ऑन द मेन स्टैंड, दिस इज़ Not good for the motorbike. And उसको start करेगा जरा इम्पीरियाले को। So as you can see, the front tire is moving as soon as the engine start. And here the इम्पीरियाले has started. So you don't see any kind of vibrations on it. This one is also on the center stand, and that one is also on the center stand. And this one is like humming like this way, tuck 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 tuck. So let's see, this is, so let's ride Royal Enfield Classic and let's see the vibration on it. All right, I will not rev the bike over 40 kilometers per hour. Oh, and now I can see vibrations even though I am riding on 30 kmph, and there are vibration on my left handlebar as well as on the right brake lever. And let's see the mirror. Yeah, it is moving. See the rear object, but it is stable, I can say, but there are vibration on the foot pegs. Yeah, there are vibration on the foot pegs, there are vibration on the handlebar. See, one hand I have put up gloves, so there are a little bit less vibration on my left hand, and on the right hand I am not wearing gloves, so I can feel a lot of vibration on my right hand. So if you wear your riding gloves and riding pant and riding shoes, you will find a minimal number of vibration on it. So let's, and I will not try on the Imperiale, because the Imperiale I have already done with it. It has a very minimal vibrations on it. I don't want to waste some petrols on that. Well, the results is in front of your eyes between Imperiale 400 and the classic Royal Enfield. So, और इसके बारे में बहुत कुछ भी बताना था और उसके बारे में बहुत कुछ बताना है, इस वीडियो में नहीं करेगा। आज मैं बहुत थक गया हूँ। और अगर जिसको इम्पीरियाले एंड जावा के बीच में रिव्यूज़ देखना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मेरे दोस्त यहाँ पर रुके हुए, इनका भी यूट्यूब चैनल है ड्रॉप द गेयर्स, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डू वॉच दैट चैनल ऑल्दो। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो ऑफ टुडे। एंड इट्स टू मच ह्यूमिड। रॉयल एनफील्ड में एक ही बात है, अगर आप ग्लव्स डाल के चलो तो मिनिमल वाइब्रेशन होता है, और अगर विदाउट ग्लव्स करोगे तो ज़्यादा वाइब्रेशन लगेगी। बाइक चलानी है तो अच्छा ग्लव्स पहन के चलाओ, कुछ वाइब्रेशन होता नहीं है। थैंक यू।